आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीनों पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 647 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 647 मल्टीप्लाइड बाय 7। देखो दोनों में 647 अगर मैं कॉमन ले लूं, सो बचेगा 13 प्लस 7 अपने पास, और ये हो जाएगा 647 मल्टीप्लाइड बाय 20। 13 प्लस 7 इज 20, तो ऐसे कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये आ गया 12940। ठीक है, सिंपली बस मैंने कॉमन ले लिया तो आंसर आ गया 12940। इसे सेकंड पार्ट में यूज करेंगे हम, इसमें अंदर 9870 टाइम्स 561 माइनस 9870 इंटू में 461 है। अब दोनों में से 9870 अगर मैं कॉमन ले लूं, सो यहाँ बचेगा 561 माइनस 461। सो ये तो कितना हो जाएगा, 561 माइनस 461 100 हो जाएगा। सो 9870 हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 987000, तो ये रहेगा अपने सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में है 569 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 70। अगर तीनों में से 569 को मैं ले लूं तीनों टाइम में से, सो 17 प्लस 13 प्लस 70, ये क्या बन जाएगा? देखो 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 70 100, तो ये बन गया 569 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वैल्यू आ जाएगी 569, ये हो जाएगा अपना 56900, तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।